अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आज हमने स्टार्ट किया है एफएससी बायोलॉजी पार्ट वन को सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन को इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी बायो मीन लाइफ एंड लॉजी मीन स्टडी बायोलॉजी इज़ स्टडी ऑफ़ लिविंग थिंग्स इसमें हम जिंदा जानवरों को स्टडी करते हैं इट इज़ ब्रांच ऑफ़ साइंस और ये एक साइंस की ब्रांच है बायोलॉजिस्ट अब बायोलॉजिस्ट हम किन को कहते हैं साइंटिस्ट ऑफ बायोलॉजी जो वो वाले साइंटिस्ट जो बायोलॉजी का इलम रखते हैं जो इसको स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं बायोलॉजिस्ट। बायोलॉजिस्ट डील करते हैं विद लिविंग पार्ट ऑफ नेचर जो नेचर के अंदर जिंदा जानदार हैं उनके बारे में एंड नॉन लिविंग थिंग्स विच अफेक्ट ऑन लिविंग थिंग्स बे जानदारों का जिंदा जानदारों के ऊपर अफेक्ट को भी ये स्टडी करते हैं नेक्स्ट हम देख लेते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी सबसे पहले हमारे पास जो ब्रांच है वो है मालिक्युलर बायोलॉजी इट इज़ ब्रांच ऑफ़ बायोलॉजी विच डील विद स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म इसमें हम डील करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म को उनके सेल्स को उनकी ऑर्गेनालिस को किस पे एट मालिकुलर लेवल पे नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास इन्वायरमेंटल बायोलॉजी दी स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म का किस तरह से रिलेशन है उसके माहौल के साथ उसके इन्वायरमेंट के साथ ये हम स्टडी करते हैं इन्वामेंटल बायोलॉजी में दिस इंक्लूड बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इनआरगेनिकंड ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट स्पेशली एज इट्स रिलेट्स टू ह्यूमन नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है वो है माइक्रो माइक्रोमीन स्मॉल द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म की स्टडी करते हैं जिसमें इंक्लूड होते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ एंड माइक्रोस्कोपिक एल एंड फंजाई। इसमें हम डिफरेंट बैक्टीरिया को स्टडी करते हैं डिफरेंट वायरसेस को स्टडी करते हैं और एल और फनजाई को भी हम इसी में स्टडी करते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है वो है जोलॉजी जू मीन एनिमल एंड लॉजी मीन स्टडी यानी कि इसमें हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं बायोलॉजी की इस ब्रांच को हम कहते हैं जोआलॉजी नेक्स्ट जो है वो है वो हमारे पास बॉटनी uh, इस ब्रांच में हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं इसको हम कहते हैं बॉटनी फ्रेश वाटर बायोलॉजी इन दिस ब्रांच वी डील ऑर्गेनिज्म दे लिव इन फ्रेश वाटर अब इस ब्रांच में हम उन ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जो रिवर्स uh, में रहते हैं और लेक्स में रहते हैं पैरासाइटालोजी दी ब्रांच ऑफ़ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स पैरासाइटॉलोजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम पैरासाइट्स को स्टडी करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मॉस्किटोज